Good afternoon, I am Natasha. On behalf of National Zoological Park, I welcome you all for the celebration of World Snake Day 2020. This day is celebrated to conserve the snakes and tell people about the snakes and its conservation. Zoos with time has been emerged as a center for education and helps us in conserving various species of snakes. आज हम सेलिब्रेट करेंगे स्नेक डे. यहाँ पर हमारे साथ हमारे नाथ जू कीपर्स हैं जो हमें स्नेक्स के बारे में बताएंगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस डे का ओरिजिन कैसे हुआ. वैसे तो बताना मुश्किल है कि इस डे को कब और कैसे मनाया जाता है, लेकिन एक स्टोरी है जिससे हमें पता चलता है कि इस डे को कब से बनाना शुरू किया गया. टेक्सा में 1967 में एक स्नेक फार्म खुला. वहाँ पर उन्होंने एक रॉक बैंड रखा. उन्होंने रॉक बैंड ने एक सॉन्ग डेवलप किया स्नेक्स के ऊपर, और वो सॉन्ग 1970s तक जाते जाते इतना पॉपुलर हो गया कि लोग वहाँ पर स्नेक फार्म में स्नेक्स को देखने आने शुरू हो गए और सॉन्ग सुनना शुरू हो गया. फिर 1970s में ही एक ऐसा दिन आया कि स्नेक फार्म में बहुत से लोग आए, और वो डे था 16th of July. तब से ये डे वर्ल्ड स्नेक डे के नाम से मनाया जाना शुरू हो गया. अब मैं स्वागत करती हूँ हमारे नाजू कीपर श्री गुरेलाल जी, जो फ्रॉम 27 ईयर से दिल्ली जू में काम कर रहे हैं. अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, हमें स्नेक्स के बारे में बताएं. गुरेलाल जी, आपका स्वागत है. धन्यवाद मैम. मेरा नाम गुरेलाल है. मैं साइक कीपर तौर पर यहाँ दिल्ली जू में 93C में काम कर रहा हूँ, और रेप्टाइल्स हमारे बुजुर्ग और परिवार पुस्तकी खानदानी काम था. सांप के साथ सपेरा जंगलों में भी वो रहे, तो जंगलों में भी उन्होंने सब जीव जंतु छोड़कर सांप पे ही उन्होंने अपना परिचय दिया. क्यों? उनको पता थी कि वन रहेंगे नहीं तो सांप अपने जंगल से बाहर जाएंगे, खेतों में जाएंगे, घरों में जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने सांप के बारे में अपनी खोज की. और खोज के साथ मैंने अपने बुजुर्गों से ही सांप के बारे में काम सीखा. काम सीखने के बाद में 93 में मैं दिल्ली जू में आया, और 20 साल मैंने रेप्टाइल्स पर काम किया. दिल्ली जू में किंग कोबरा, कोबरा, वाइपर, करेट, इगोना सांप और कोमल सैंडवा, सेम्बोआ, टॉटल्स ये मौजूद थे. उन पर मैंने देख देख करी. समय समय के अनुसार उनको मैंने सर्दी से, गर्मी से, बारिश से बचाने के लिए उपाय जो हमारा एक्सपीरियंस था वो हमने अधिकारियों को बताया, और सांपों की हमने रक्षा की. और बीच में कुछ समय बाद हमारे नैनन क्यूरेटर साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई सांप से भयभीत लोग हो जाते हैं, बहुत डरते हैं, क्योंकि सांप काट लेते हैं. तो उनके बारे में हमने नॉन पॉइजनस धावन से हिंदी में धावन कहते हैं, वैसे रेट स्नेक कहते हैं, तो वो हमने बाहर निकाल के रेप्टाइल्स के और पब्लिक को इंटरेस्ट पब्लिक को सिटी के लिए हमने, तो उन्होंने पब्लिक से हमने बताया कि ये धावन सांप है और रेड स्नेक इंग्लिश में इनको कहते हैं, ये नॉन पॉइजनस, इसमें कोई जहर नहीं होता और इसको मारना चाहिए, छेड़ना चाहिए. उन्होंने तो स्किन से हाथ लगाया, टच करा. कुछ लोगों ने हमसे ये कहा कि हम सांप से प्रसिद्ध हो गए काफ़ी समय तक, तो उन्होंने कहा कि इनकी स्किन से हम पिछा लेंगे कि रेड स्नेक है. दूसरे पॉइंट, कोई सारे सांप हमारे जहरीले नहीं होते, क्योंकि कुछ सांप हमारे प्रजातियाँ जो सांपों की है वो 252 प्रजातियाँ हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो समाज ने, हमारे जातियों ने बताई है, जिनमें 54 जहरीली पॉइजन जातीय सांपों की है, जो कि हमारे जो जहरीले सांप हैं उनके जहर विष को काफ़ी मेडिसिन दवाइयों में काम आता है, और उसके विषय में भी हमें हमने बुजुर्गों ने बताया. और ये सांप जो काट लेता तो ये डायरेक्ट जहर इनडायरेक्ट पहुँचता, खून में फैल कर सांप का जहर असर करता है, पाचन क्रिया से ये नहीं करता है. सांप कोबरा एक ऐसा होता है कि हमारे बुजुर्ग लोग भी बताते थे कि ये गुसेला होता है, अपने गल्फों को फुला करके फर कर लेता. तो उन्होंने म्यूजिक शुरू किया बीन बजाना, तो बीन की वो लहर पर, धुन पर ऐसे ऐसे करने लगे, तो सांप की वो लुक थी वो बीन पे सुनते नहीं है, उनके कान नहीं होते, लुक पर ऐसे ऐसे करने लगे, और गाँव में जा कर के, शहरों में, सिटी में जा कर के अपना पालन पोषण करते थे सांपों के साथ, और प्रचार करते थे कि ये रेट स्नेक है, ये कोबरा सांप है, ये जहरीला, ये बिगर जहरीला. फिर दुमही को
दो मुंह से जाना जाता था, तो उनको भी प्रचार करा कि ये बात भ्रम है, दो मुंह वाला सांप दुनिया में कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ एक ही मुंह है, पहचान दो मुंह से की जाती है, क्योंकि पिछले जो उनका हिस्सा है वो भी अगले मुंह जैसा ही सेम सा लगता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भ्रम है, ये झूठ है और ये दो मुंह वाला सांप दुनिया में कहीं भी नहीं है, एक मुंह का होता है, इसे हम कॉमन सेम्बा सांप कहते हैं, हिंदी से देहाती भाषा में उसे दुमही कह देते हैं, दुमही के नाम से भी वो जाना जाता है। और आप कुछ बताना चाहेंगे कि सांप को हम कैसे बचा सकते हैं, कुछ सुझाव देना चाहेंगे लोगों को? मैम जरूर, हम सांपों के बारे में सुझाव देंगे। सांप एक हमारे रेप्टाइल्स जो हमारे हैं इतने अजीब जीव हैं कि देखने में बहुत बढ़िया लगते हैं और ये भाग दौड़ करके किसी मनुष्य को नहीं काटते हैं, क्योंकि जब इनके बिलों में, इनके दराड़ों में, खोखलों में, खंडरों में जब पानी भर जाता है बारिश के मौसम में, तो ये अपने भूख के लालच में ये खेतों में निकल जाते हैं, खेतों में निकलने के बजाय एक गाँव में भी चले जाते हैं, घरों में भी, तो चिल्लाने पुकारने थे, इनकी जो जीभ की जो दो बातें तिपका होती है उनसे जान लेते पहचान लेते हैं और पता पड़ने से ये सांप भाग जाते हैं। चलिए, और आप कुछ लोगों को बताना चाहेंगे कि आप जैसे जू में काम कर रहे थे सालों से, तो सांप निकल आता है, तो आप क्या करते हैं उसके लिए? जैसे मैडम हमारे जू में सांप कई बाड़ों में निकल ही आते हैं हमारे जू में, तो हम अधिकारी को कहना मान करके अपने जानवर को, चाहे वो सांप बेशक नहीं काटे, बड़ा एनी एलिफेंट है, जैसे टाइगर है, लोइन है, बड़े बड़े जानवर जिसको सांप नहीं निकल सकता, तो उनको काटेगा भी नहीं, क्यों जब भी हमें भय रहता है सांप का, तो सांप को हम पकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको छोड़ देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, आपके आपने हमें बताया, और आप अपनी कम्युनिटी के बारे में, नाथ कम्युनिटी के बारे में कुछ संदेश देना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे? मैं हमारी नाथ संप्रदाय से हमारी जाति सपेरा जुड़ी हुई है, वैसे नौ नाथ, 12 पंथ, 84 दुगने, 36 सिद्ध से हमारी प्रणाली निकली हुई है, वैसे हमारे गुरु नाथ से कानीपा नाथ, मच्छंदर नाथ, जलंधर नाथ, जैसे जैसे उत्पादन हुआ है तो ये कम लगभग पृथ्वी में 30,000 करोड़ से भी पहले ये सांप पृथ्वी पर उतरे हैं, और ये जैसे नाथ प्रदाय हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे भोले शंकर जी थे अपने गले का हार किया सांप का, जिसमें भारतवर्ष में ये एक नाग पंचमी का डे आता है सावन में, तो उसकी पूरे भारतवर्ष हिंदू धर्म इसकी पूजा करते हैं, उससे भी नाग को पहचाना जाता है, जैसे हिंदी किन कोबरे को हिंदी में शेष नाग कहते हैं, तो ये कहानी थोड़ी पुरानी है हिस्ट्री में, जब श्री कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया था इसे शेष नाग, जिसे हम किनकोबरा कहते हैं, आसाम में उसे काली नाग कहते हैं, कलकत्ते में उसे कृष्ण नाग कहते हैं, तो इसी ने कृष्ण भगवान के पांच फन का छाया लेकर के मथुरा वृंदावन से और काली नदी में वासुदेव महाराज लेकर के गए थे, तो वहाँ पांच फन थे नाग और नागिन से एक स्टोरी है हकीकत की, जो ऋषि मुनि सतयुग के समय की बात, तो उस नाग ने पाँच फन गेंद खेलते हुए, जब कृष्ण भगवान 12 साल के हो गए तो गेंद खेलने बहाने काली देह में कूद गए थे, तो नागिन सो रही थी, वो नाग सो रहा था, नागिन जाग रही थी, गेंद नाग से टच हुई, टच होने से नाग ने उनका रूप पीछा नहीं पाया, पाए गए कृष्ण भगवान, उन्होंने पांच फन का फूंक उसको मार दिया, जन्म अवतार के वे काले नहीं थे, महाभारत में कंसों का नाश किया था और उल्टे आकर के काली देह में से नाग को ना दिया, किन कोबरा काली सांप की तरह फूंक नहीं मार सकता, जैसे कोबरा फूंक मारता वो नथा हुआ है, उसके अपने ब्रह्म जनेऊ निकाली और उसके चार चार अंगल से फैसले से उसको बांध दिया, जैसे किन कोबरा कहते हैं, वैसे हिंदी में उसे शेष नाग कहते हैं, और आज कलयुग में भी उसकी पांच जवान है, जैसे हमारे कोबरा की दो तिपचा है, इसी पांच जवान आज भी है, 3 एक बार निकालता और 2 एक बार। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी। अब मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे दूसरे जू नाथ कीपर का, श्री विनोद नाथ जी, जो कि हमें बताएं कि वो रिप्टाइल हाउस में दिल्ली जू के कैसे सांपों की देखरेख करते हैं। विनोद नाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पर 27 वर्षों से काम कर रहे हैं 1993 से, और अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ अभी बांटेंगे। विनोद नाथ जी नमस्कार, मेरा नाम विनोद नाथ है, मैं परवल डिस्ट्रिक्ट परवल के गांव दुलवाड़ी का रहने वाला हूँ,
और मैं पिछले 27 सालों से सांप घर में काम कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस, मेरे पूर्वज जो है सभी जो है सांपों का काम करते थे। मेरा जो है पारिवारिक जो खानदानी काम रहा है, फिलहाल तो ये बंद हो गया, लेकिन मेरे दादा और जो मेरे बाप वगैरह थे सब यही काम करते थे, तो मैंने वहीं से सीखा और उन्होंने ही मेरे को जो भी जानकारियाँ सांपों के बारे में दी जो मैंने हकीकत में पाया है। तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट में हमारे जो है 6 प्रजाति के सांप हैं, जिनमें अजगर है, कोबरा है, रजतवंशी है, पानी वाला सांप है, दुबई है, धामिन है। इन सांपों को हम देख रेख करते हैं और इनको समय और मौसम के अनुसार उनको कैसे रखना है, कैसे उनको जो है खाना पीना सब का प्रबंध हम उसी हिसाब से करते हैं। तो ये जो है 31 अक्टूबर के लास्ट तक ये जो है जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो ये सांप जो है हाइबरनेशन शीत निद्रा में चले जाते हैं। और ये जो है 31 मार्च के लास्ट में ही निकलते हैं, तो फिर गर्मियों में ये खाना खाते हैं और 6 महीने में इतना खाना खाते हैं कि 6 महीने हाइब्रिडेशन आराम से अपना रह सके। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, हम समय समय के अनुसार जैसे मौसम के अनुसार इनको जो चीज़ रहने के लिए देते हैं, सर्दियों में हम इनको छिपने के लिए जैसे जो इनको ज़रूरत होती है छुपने के लिए वो सारी सुविधाएं हम देते हैं। अभी गर्मियों में भी जैसे अभी हमने जो किया है बाड़े के अंदर काम, जैसे पत्तियां हैं पेड़ की सूखी पत्तियां या खोखले पेड़ हैं या जो है मटका है, उनको छुपने के लिए जैसे बिल की तरह आधा मटका दबा के धरती में बिल की तरह पूरी सुविधा दी है। पत्थर लगाए हैं, लकड़ी लगाई है बक्कल वाली, जिससे कि वो जो है आसानी से अपनी स्किन को उतार सके। तो इस तरीके की सुविधा करते हैं। दूसरा जो है सच्चाई बात यह है कि भारत में लगभग 250 प्रजातियां हैं सांपों की और जिनमें से केवल 52 प्रजातियां जहरीली हैं। ये आदमी से बहुत डरता है, पता लगती भाग जाता है। सांप जो है, सांप का जहर वो बहुत महत्व रखता है, बहुत कीमती होता है, ये दिल और नाड़ी तंत्र के उपचार में काम आता है। सांप कभी भी भाग कर नहीं काटता है। सांप के काटने पर आदमी को शांत रखें और साबुन में पानी से घाव को धोकर जल्द से जल्द अस्पताल भेज दें। कुछ सांप के बारे में गलत जानकारियां भी लोग देते हैं, जैसे सांप के 2 मुंह होते हैं, एक मुंह से 6 महीने चलता है, दूसरे मुंह से 6 महीने बाद चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सांप उड़ते और उड़कर काटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सांप सुनते हैं और संगीत का मजा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो है सांपों के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार के जो है अफवाहें भी हैं, लेकिन मैं जो है इतना ही कहना चाहूँगा कि सांप बहुत ही प्यारा जीव है, इसको जो है प्यार करना चाहिए, बिल्कुल भी इसको तंग नहीं करना चाहिए। सांप जैसे आज प्रोग्रेस हो रहा है दुनिया में या देश में, रोड है आपका, जो बस्तियाँ हैं वो जो जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उसके जो है अनुसार हमारे जो सांप हैं वो खाने के चक्कर में जो है भटक जाते हैं, वो कई बार घरों में आ जाते हैं। जैसे उनके खाने के लिए चूहे हैं या और मच्छी मेंढक वगैरह जो भी कुछ जहाँ खुशबू जाती है उनको, तो वहाँ उस तरफ चले जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सांप जो है या तो आप खुद ही उसको जो है किसी भी प्रकार से घर से बाहर निकाल दें, कोशिश करें उसको मारें ना। दूसरा, अगर आप डरते हैं ज़्यादा तो फिर चिड़ियाघर या हमारी जो संप्रदाय है, जो कम्युनिटी है हमारी जो है वो सपेरा समाज है, वो हिंदुस्तान के कोने कोने में है, आप उनको बुलाकर भी जो है आराम से उसको पकड़ के और उनके जो है जो सुविधाजनक जंगल है वहाँ छोड़वा सकते हैं। और आप जैसे इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ का जो रेप्टाइल हाउस बना है और कैसे और कब बना देंगे। जी, मैं बताना चाहूँगा कि 90 के दशक में हमारे निर्देशक महोदय हुआ करते थे कमल नायडू, उन्होंने शेर के बच्चों को बचाने के लिए जैसे ही पता लगा उनको कि सांप जो है बाड़े के अंदर पहुंच गया है और सांप का नाम था कोबरा, उसको बचाने के चक्कर में शेर के बच्चों को, तो उन्होंने जैसे पकड़ा उसको
तो उनको सांप ने काट लिया, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ, वो ठीक होकर आ गए। उसके पश्चात ही जो है मंत्रालय में और प्रशासन ने ये आपस में मिल बैठ करके ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम जो है एक किस चिड़ियाघर के अंदर हम रेप्टाइल हाउस सांप घर बनाए, और उसके पश्चात ही उसका निर्माण हुआ, जिसको 31 अक्टूबर 1992 में माननीय पर्यावरण मंत्री श्री कमलनाथ द्वारा उद्घाटित किया गया। आप जैसे इतने सालों से यहाँ हैं तो आपका एक लगाव सा हो गया होगा। बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, सांप से बहुत ज़्यादा लगाव है, और कई बार जैसे सांप हमारे फील्ड में निकले आते हैं या हम जैसे काम करते हैं तो हमें आदेश मिलता है कि भाई बाहर कहीं से ऐसा मैसेज मिला है कि उनके घर में सांप निकला है, तो हम वहाँ भी जाते हैं, यहाँ फील्ड से भी पकड़ते हैं और उनको जो है उनके जो जगह है असली जंगल वहाँ छोड़ते हैं। अभी आप कुछ अपने कम्युनिटी के बारे में कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, कम्युनिटी के बारे में यही संदेश है कि जैसे कम्युनिटी का जो काम था हमारा, वो सांप दिखाना, लोगों को सांप के प्रति जागरूक करना था कि सांप बहुत ही अच्छे होते हैं, सारे सांप जहरीले नहीं होते, सांप किसी को भी ऐसे नहीं काटता है, सांप दबे पे काटता है, सांप आदमी से बहुत दूर रहना चाहता है। तो अभी भी जैसे मैं यही कहूँगा कि कहीं भी सांप निकले तो उनसे जो है घरों में निकलते हैं या कहीं भी निकल जाते हैं तो उनकी जो है ना मतलब उनसे ही काम, जैसे हमारे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या जो है एनजीओ में या कई जगह जो है ऐसी है कि वहाँ उनको उस तरीके का काम दिया जाए ताकि हम सांपों को सुरक्षित रख सकें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें रेप्टाइल हाउस के बारे में बताया, दिल्ली जू के स्नेक्स के बारे में बताया, अपनी कम्युनिटी के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे तीसरे नाग जू कीपर का, श्री मित्तल नाथ जी, जो कि 4 सालों से दिल्ली जू में काम कर रहे हैं और उससे पहले लगभग 3 साल इन्होंने रियाद जू में काम किया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं या जो भी कुछ उन्होंने रियाद जू से सीखा उसके बारे में बताएं। मेरा नाम मित्तल नाथ है, मैं गांव नांग ब्राह्मण जिला पलवल हरियाणा का निवासी हूं और मैं सपेरे जाति से बिलोंग करता हूं। मैं पिछले 4 साल से मैं दिल्ली जू में काम कर रहा हूँ, उससे मैं पहले मैंने लगभग 3 साल सऊदी अरब के रियाद जू में काम किया है और वहाँ पे भी काफ़ी प्रजातियों के रेप्टाइल्स रहे हैं, जैसे अब पूजन मानो तो बैकरेटर स्नेक है, हार्नेट सैंड वाइपर है, कोबरा है, इस तरह के कई सारे सांप रहे हैं जिनकी मैंने वहाँ पे देख रेख भी की है और उनके अंदर काम किया है, तो उनसे मेरा लगाव काफ़ी अच्छा रहा है। और एक जैसे बोलते हैं कि चिड़ियाघर के, हमारे दिल्ली चिड़ियाघर में भी मेरे को पिछले 4 साल से मैं दिल्ली चिड़ियाघर में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैंने रेप्टाइल हाउस में काम किया है, तो सऊदी जू के जो रेप्टाइल हाउस है कि हमारे यहाँ जो दिल्ली जू में जो चिड़ियाघर है उसमें